नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो शूटर गिरफ्तार हुए, नेपाल भागने के फेरे में थे। हालांकि प्लानिंग दो दिन से चल रही थी। वहीं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पुलिस ने ज्वाइंट कमेटी गठन कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर को गिरफ्तार किया है। बताते चले आपको कि ये शूटर नेपाल भागने के प्लान में थे, कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में जुटी हुई थी। हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से निजाम समीर की रिपोर्ट पर ले चलते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये लॉरेंस बिश्नोई वही लॉरेंस बिश्नोई है जो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे चुके हैं और कई बड़े बड़े कांड कर चुके हैं। ये वही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग शूटर हैं जो कई बड़े घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में थे। बिहार के कुख्यात गैंगस्टर में से दो शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले एसएसपी राकेश कुमार ने की गिरफ्तारी छापामारी कर पुष्टि की है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन शूटरों का कई बड़े प्लान बताई जा रही है। वहीं जब एसएसपी राकेश कुमार ने जब इसकी जानकारी मीडिया को दी तो वहीं हमारे संवाददाता निजाम समीर मुजफ्फरपुर मौके पर पहुंचकर कवरेज की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर दो बड़े शूटर थे जो जिन्होंने बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, यानी फिराक में थे। कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इससे पहले ही मुजफ्फरपुर पुलिस की सबसे बड़ी सराहनीय की जाती है कि उन्होंने घटना को अंजाम देने से पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है, न्याय हिरासत के लिए भेज दिया गया है। बता दें आपको कि ये शूटरों का ब्रेक प्लान था। हालांकि ये दिल्ली एनसीआर में गोला बारूद अन्य चीज़ों के साथ कई दफ़े कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इस मामले को लेकर राकेश कुमार एसएसपी मुजफ्फरपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल देर रात्रि में दो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। इसके लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था जो बिहार एसटीएफ के नेतृत्व में चल रहा था। इसमें एसटीएफ की टीम, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की टीम और सीतामढ़ी की टीम, तीनों ही टीम जॉइंटली काम कर रही थी। दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम शहनवाज साहिल है और दूसरे का नाम सुनील कारोलिया है। ये दोनों ही अपराध कर्मी राजस्थान में और हरियाणा में वांछित हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से हम लोगों के पुलिस हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट आई थी और उस बेस पे हम लोग काम कर रहे थे। इनका जो भी आपराधिक इतिहास है या जो भी हाल की घटनाएं हैं उसके बारे में जो भी संबंधित राज्य की पुलिस वो आप लोगों को विस्तार से बता रहे हैं। हाँ, जो हम लोग इनको ट्रैक कर रहे थे तो इन लोगों का डायरेक्शन नेपाल की तरफ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोग जो है अगले 7 से 8 घंटे में अगर नहीं पकड़े जाते तो नेपाल में प्रवेश कर जाते। एक्चुअली इसमें से एक अपराधकर्मी है जिसका गृह जिला सीतामढ़ी है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे, तो नेपाल जाने का रास्ता मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर ही जाता है, इसीलिए यहाँ पे इन लोगों को टैप किया। अभी संबंधित राज्यों की पुलिस यहाँ आई है, हरियाणा के सीनियर ऑफिसर्स भी आए, वो जो प्रोसीजर है चार्जेट रिमांड का उसको कम्प्लीट करेंगे और विधिवत तरीके से हम लोग उनको हैंड ओवर करेंगे।